तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता, इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने हूँ, उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की और किसी के ऊपर उनका नफरत नहीं था। तो आज का जो हमारे मोदी जी का जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है, और बगैर कोई भी बात करने दो वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय सबकी भलाई हो इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथी वो आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock, 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति धर्म पंथ क्षेत्र लिंग भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए, इसके बावजूद लोगों ने डायवर्शन, ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूँ, कल भी मैं उड़ीसा में था, वो भी उड़ीसा में थे बालेश्वर और भद्रक और एक जगह है जो भद्रक क्या कुछ है, तो वहां पर भी मेरा भी भाषण था, फिर बालेश्वर में था, उनका भी बालेश्वर में था। तो यहाँ भद्रक में तो नहीं आए, वो उधर से उधर उड़ान उनकी हो गई, मेरे को एक घंटा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब तक वो नहीं उड़ते मैं नहीं उड़ सकता। तो फिर भी वहां हम बैठे रहे कार में, फिर उसके बाद में उन्हें जाने के बाद हमको पास मिला तो हम निकल गए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो सोचती है जनता के समस्या को लेके सोचती है और करती भी है काम, और हम करके भी दिखाया। आपको मालूम है जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी और मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सी गरीबों के लिए हमने स्कीम लाए, उन स्कीम को भी हमने अमल में लाया और अनुष्ठान में लाकर लोगों को उसका फायदा भी दिया। मोदी जी सब कर कहते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दे को जनता के बीच लेकर गई, और यही मुद्दे समस्त विपक्ष के मुद्दे बने और जनता ने हमें इन पर खुलकर समर्थन दिया। मैं इस मौके पर सभी नागरिकों को, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को,
और कांग्रेस के अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं जो लीडर होकर अपने इलाकों में सत्ता बल और धनबल के खिलाफ लोकतंत्र के लिए वो खड़े हुए और संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हो गए। इसके विपरीत अगर सत्ताधारी दल भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे ऊपर कितने गालियां दिए, मेरे पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूं। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया, खुद के हम बोले सुनिए, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया, 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है विपक्षी पार्टियों की बात के एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली, मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो ये दर्शाता है कि मुद्दों को उन्होंने अलग कर दिया, सिर्फ राम का नाम अपना नाम लेना, प्रचार करना, ये काम उन्होंने करते रहे। उसके बाद में ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, चुनाव के ठीक पहले हमारे पार्टी के खाते बंद कर दिए और जो हमने पैसा डोनेशन के रूप में हमको जो मिला था और हमारे रिटर्न में फाइल करने में जो थोड़ा सा लेट हुआ तो उन्होंने कम से कम 135 करोड़ रुपए हम पे सीधा उन्होंने केस किया और उसके अलावा हमारे जो अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया ताकि हम इलेक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारे साथ में दूसरे पार्टियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसा किसी सत्ताधारी दल और सरकार ने इस देश में विपक्षी दलों के साथ कभी नहीं किया था। इसके पहले भी संसद के विंटर और बजट सेशन में सरकार का यही रवैया देखने को मिला, संसद में विपक्ष को नहीं बोलने देना, विपक्षी सांसदों को निलंबित करना, बिना बहस के बिल पास करना, ये अध्याय पिछले सरकार की कारनामों के रूप में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा और ये जो काम उन्होंने किया सबका मुंह बंद करने का, डिस्कशन खत्म करने का, और जो हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के जो भी सलाह होते उसको भी उन्होंने नकारा, तो ऐसा करके पूरा उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर दिया। सरकार के इन्हीं रवैये ने हमारे शक की पुष्टि कर दी कि ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और इसका पहला निशाना होगा संविधान। जब हम लोगों के बीच गए तो लोगों ने हमारी बात पर मोहर लगाया और हमें बताया कि वो भी यही सोचते हैं, अगर इस सरकार को एक मौका फिर मिला
और मिला तो वो लोकतंत्र का अंत होगा। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के लोग बेतुकी बयान भी करते हैं। हम सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री जिनसे खुद आदर्श व्यवहार की अपेक्षा होती है, उन्होंने कैसी भाषा और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़कर न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी नीचा दिखाया। तो ये जो उनका रवैया है और केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी ये है, आदर्श आचार संहिता को एनफोर्स करना और 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कैस्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। प्रधानमंत्री जी ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया, 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात की। लेकिन सीसी इसको जो उन्होंने पहले कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिंग वोट्स बोले थे, अब इनके आंकड़े मैं दे रहा हूँ इसीलिए कि कम से कम लोगों को मालूम होने दो कि किस तरीके से ये चल रहा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग के जिम्मेदार इसके लिए वो भी जिम्मेदारी है, और आचरण का निष्पक्ष आकलन प्रत्येक भारतीय की अंतरात्मा या आने वाला समय ही कर पाएगा। आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना ये जरूरी है कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान सभा के आखिरी स्पीच का अंश मैं पढ़ता हूं जो उन्होंने कहा था, भक्ति भक्ति रिलीजन मे बी ए रोड टू द सॉल्वेशन ऑफ द सोल। भक्ति इन रिलीजन मे बी ए रोड टू द सॉल्वेशन ऑफ द सोल, बट भक्ति इन पॉलिटिक्स, भक्ति और हीरो वर्शिप इन ए श्योर रोड टू डिक्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। ये बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीच में, आखिरी स्पीच में ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दोहराया था। और ये भक्ति और हीरो वर्शिप जो चल रही है इसमें, तो आखिरी ये सभी लोग मिलके डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद को अब भगवान का अवतार भी मान रहे हैं बताने का प्रयास उनके लोगों ने कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब लोग उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके कैंडिडेट्स और सभी ने उनको एक भगवान का स्वरूप दे रहे हैं, और इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं अब आप देखे हैं, सुने हैं या आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम देश के सभी जनता को ये मालूम होने दो कि आज के प्रधानमंत्री किस ढंग से वो अपनी बात रख रहे हैं जनता के सामने, और कैसा अंधभक्ति अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में
जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए दो बार पढ़ा मैं, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बस इतना कहते हुए मैं शांति के साथ आप सुनने से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया खरगे जी। आपके सवाल के पहले मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने बार बार अपने वक्तव्य में संविधान का जिक्र किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी अपने सभी सार्वजनिक सभाओं में इस संविधान का जिक्र करते हैं और इस संविधान को भी दिखाते हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वही किताब, वही पवित्र किताब जिसको सुरक्षित रखने के लिए हमने अपने चुनाव प्रचार किया है उसको दिखाएं। ये तो देखें विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता, इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते हो जाए ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से।